आज मुझे ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का गोल्ड मेडल मिला है। देखा रोहन, सीखो कुछ पापा से। पापा सोना जीत कर आए हैं और तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है डैड। हाँ, और इसी खुशी के मौके पर मैंने अपने सभी दोस्तों को कल पार्टी के लिए घर बुलाया है। पार्टी यानी पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, केक। मैं तो खा खा के थक जाऊंगा। और मैं तो गा गा कर थक जाऊंगा। डीजे खेमा, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पूरा नाइट नॉन स्टॉप। रुको, पार्टी अभी नहीं हो सकती। ये घर की दीवारों की हालत देखो। रोहन ने हर दीवार पर कुछ न कुछ स्क्रिबल कर रखा है, तो जब तक ये दीवारें पेंट नहीं हो जाती कोई पार्टी नहीं होगी। पर एक दिन में पेंटिंग कैसे होगी? कल पार्टी कर लेते हैं, पेंटिंग मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है? घर की ऐसी हालत देखकर मेहमान क्या सोचेंगे? नो पेंटिंग, नो पार्टी। नो पार्टी, नो पार्टी मतलब नो बर्गर्स, नो पिज़्ज़ास, नो चॉकलेट्स। ओह नो, किमोन कुछ करो ना। मैं क्या करूँ यार, अगर चार हाथ होते भी ना तो एक दिन में पेंटिंग करना किसी मैजिक से कम नहीं। मैजिक, यस। किमोन अपना कोई जादू चलाओ ना। एक आइडिया है, कार्टून। जल्दी से पेंटिंग ब्रश ले आओ। एप्पल पापल चापल चाट, टॉयलिश में सुन ले मेरी बात। लो रोहन, मैजिक ब्रश आपकी सेवा में हाजिर है। अब ये करेगा पेंटिंग एक ही रात में। टेंटेटेन। वाव, तो मैजिक ब्रश सुनो, तुम्हें सारे घर के दीवारों को अच्छी तरह पेंट करना है। मेरे रूम में ऑरेंज, किचन में ब्लू, हॉल में गोल्डन और कबर्ड पे ब्लैक पेंट कर देना। और याद रहे, काम आज रात में ही होना चाहिए। हाँ। अरे अरे, मैं तो भूल ही गया, हम लोगों के पास पेंट नहीं है। डूड, तुम भूल गए क्या? ये मैजिक ब्रश है, पेंट लेना इसका काम है, ये मैनेज कर लेगा। हाँ। तुम टेंशन मत लो। चलो अब सो जाते हैं। अरे मुझे कल उठकर रियाज भी तो करना है डीजे पार्टी के लिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं है। हा हा हा। सब्जी, वो पेंट का डब्बा नहीं है जिससे तुमने सारा पेंट चूस निकाला। मैं कहता हूँ कलर वापस करो, करो करो करो। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। कल तू इस घर में हंगामा होगा। मेरे बाल रात में तो काले थे, अभी सफेद कैसे हो गए? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे मेरे गोल्ड मेडल का गोल्ड कहाँ चला गया? अब तो ये ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं लग रहा। अरे किमोन, तुम्हारा ब्लू ड्रेस व्हाइट कैसे हो गया? ब्लू तो तुम्हारी आइडेंटिटी है, अब तुम्हें कौन पहचानेगा? मैं किसी को ब्लू दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरे साइकिल से भी ऑरेंज कलर गायब है। कोई मुझे बता सकता है कि इस घर में ये सब क्या हो रहा है? हम बताते हैं माता जी, ये सब उस मैजिक ब्रश का काम है। उसने आपके बालों से ब्लैक कलर, डैड के मेडल से गोल्डन कलर, कीमोन के टी शर्ट से ब्लू कलर और रोहन के साइकिल से ऑरेंज कलर खींच निकाला। उशार्जी, शुक्र है कि किसी ने येलो कलर नहीं मांगा था। कीमोन, तुमने हमें सरप्राइज दिया या शौक? अब बताओ
ये सब ठीक कैसे होगा? माताजी, अब तो वो पेंटिंग ब्रश ही सब कुछ ठीक कर सकता है। वो ही है जो कलर को अपनी सही जगह पे वापस पहुंचा सकता है। वो मैंने सोचा पेंटिंग हो गई तो पेंट ब्रश की क्या जरूरत। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और जाके वो पेंट ब्रश वापस लेकर आओ, जल्दी। ये देखो साहेब, शहद जैसा मीठा आम। ये आम नहीं कैरी है, और कैरी मीठी नहीं खट्टी होती है। दिमाग घूम गया है इसका। ए, ये क्या हो रहा है? खबरदार, जो मेरे आम को छुआ तो। क्या आप एक पेंट ब्रश को ढूंढ रहे हैं? हाँ, तुमने उसे देखा है क्या? हाँ, उस तरफ जाते हुए देखा। अरे पेंट ब्रश भाग गया, पकड़ो। हवलदार, पकड़ो उस कैदी को, भागने ना पाए। पुलिस की वर्दी को हाथ लगाता है? रुक जा पेंट ब्रश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये तो सुना था, पर कोतवाल चोर के कपड़े में भागे ये पहली बार देख रहा हूँ। अरे यार, अगर इंस्पेक्टर ने पेंट ब्रश को गिरफ्तार कर लिया तो हमारे रंग वापस कैसे आएंगे? किमोन कुछ करो। वो कैदी कहाँ भाग गया? कैदी यहाँ है। अरे अरे, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, मैं कोहली और ये धोनी है। रुक जाओ। सर, आप माफ करना सर, गलती से गलत फहमी हो गई। ओ, मुझे छोड़ो और उस पेंट ब्रश को पकड़ो। अरे मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे मेरा वापस कर। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मुझे मेरी वर्दी वापस कर। मुझे मेरी घर की शांति वापस कर। मैं कब से यहाँ अपने सिग्नेचर कलर को खोकर भूत की तरह सफेद कपड़ों में भाग रहा हूँ। मुझे मेरी पहचान वापस कर दो, कर दो। अगले 10 मिनट तक ही इस पेंट ब्रश में जान बची है। ओ, फंस गए यार। किमोन, जल्दी कुछ करो। झगड़ा झगड़ी बंद करो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में निकला था आगा। किमोन ब्रश लेके भागा रे। डूड, बाल बाल बचे। पहले मेरे बाल का रंग वापस आएगा। पहले मेरे मेडल का गोल्ड वापस आएगा। मॉम डैड रुको, बस 15 सेकंड बचे हैं। ये तूतू मैमे बंद करो तो सबका काम हो जाएगा। अब सबका काम तमाम हो गया। मेरे बाल, मेरा मेडल, मेरी साइकिल, मेरी पहचान। ये हमारे रंग वापस आ गए। मेरी पहचान आ गई। हमारे रंग वापस आ गए। और दीवारों पर ये स्क्रिबल्स भी। देखो, रात के 10 बज गए लेकिन पेंटिंग अभी भी बाकी है। हाय।